ईयर 24-25 के लिए बजट लॉन्च किए गए हैं। हालांकि ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट वो होता है जो इलेक्शन के पहले दिया जाता है, क्योंकि इस ईयर अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाला है। इस इंटरिम बजट को बनाया गया है सोसाइटी के इन चार सेक्शंस में मेनली फोकस करते हुए, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान, इन चारों के लिए मौजूदा स्कीम्स के तहत काम करने का बात किया गया है और नए स्कीम्स बनाने का भी बात किया गया है। इस बजट में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाए जाने वाले पैसे को 11% बढ़ाने का प्लान कर रही है, जो कि 11 लाख करोड़ रुपए होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर माने ऐसे खर्चे जो सरकार बिल्डिंग्स, इमारतें, सड़क या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है और जॉब भी क्रिएट होते हैं। चलिए बजट के हाइलाइट्स को जानते हैं। पीएम आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, इसके तहत 2 करोड़ मकान लोगों को दिए जाएंगे। पहले 3 करोड़ मकान ऑलरेडी दिए जा चुके हैं इस योजना के तहत। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने का टारगेट लिया गया है। हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का प्लान किया गया है, जिसके लिए स्पेशल कमेटी बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए सर्विकल कैंसर को ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। मौजूदा और नए स्कीम के तहत माँ और शिशु के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। किसान के आय को बढ़ाने के लिए और फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किए जाएंगे, जैसे कि मॉडर्न स्टोरेज, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और सरकार के आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव के तहत खेतों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी फार्मर और दूध का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा स्कीम्स, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत काम किए जाएंगे। फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए 5 नए एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। रेलवेज में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम किया जाएगा। इन तीन क्षेत्र में, मिनरल और सीमेंट वाले क्षेत्र में, पोर्ट्स वाले क्षेत्र में और हाई ट्रैफिक डेंसिटी वाले क्षेत्र में, एविएशन सेक्टर में भी काम किए जाएंगे। नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का काम किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इकोसिस्टम को भी डेवलप किया जाएगा और इनकम टैक्स और जीएसटी स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साल 23-24 का फिस्कल डेफिसिट को रिवाइज एस्टिमेट किया गया है, जो कि 5.8% है, और साल 24-25 में फिस्कल डेफिसिट को 5.1% एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा स्पेंड करती है तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। ये परसेंटेज जितना कम होता है उतना गवर्नमेंट का फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट बेटर है बोला जा सकता है। तो ये थे इंटरिम बजट का हाइलाइट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।